भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें, जिस तरह से मुमरा कौसा में फीस माफ को लेकर जो है काफी हंगामा मचा, इस समय हम लोग मौजूद है बॉस्को स्कूल के पास। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तमाम पेरेंट्स जो है फीस माफी को लेकर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एनसीपी की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, शमीम खान, रेहान पीतलवाला ऐसे सभी लोग यहाँ बॉस्को स्कूल में पहुंचे और फीस माफी को लेकर जो है पेरेंट्स के साथ जो है स्कूल प्रबंधक से बातचीत की, जिसके बाद 3 महीने की फीस यहां पर माफ करने की बात की गई है। लेकिन खास तौर पर शमीम खान से जो हमने बात की तो उनका कहना है कि जो स्कूल उनके उनके एजेंडे को माने हैं और फीस 3 महीने की माफ किए हैं, उन स्कूलों के तरफ से पेरेंट्स के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा कि कितने महीने की फीस माफ किए गए हैं, और आगे चलकर अगर ये स्कूल फीस माफ नहीं करते हैं और इसी शिकायत इनकी सामने आती है तो आप लोग एनसीपी के कार्यालय, जो शमीम खान का कार्यालय है, आप वहां पर जाकर इन स्कूलों की शिकायत कर सकते हैं। पेरेंट्स ने यहां पर क्या कहा है और शमीम खान ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। यहां पर नेता लोग आए थे, हाँ, उन लोगों ने बोले कहना 3-3 महीने की फीस माफ करेंगे और टर्न फीस भी माफ कर देंगे। कहा है कि अगर स्कूल प्रशासन के तरफ से ये माफ नहीं किया गया तो आप लोग को शिकायत करने को बताए कहाँ पर जाना है, रियान भाई के ऑफिस में जाने बोले। क्या स्कूल के तरफ से भी क्या कहा गया और जो यहाँ पर नेता लोग आए थे इन लोगों ने क्या कहा? जी, जैसे कि हम लोग पहले गए थे तो वहाँ पे कंपलसरी बताया गया था कि आपको पूरी फीस वीस भरनी पड़ेगी करके, तो हम लोग ने प्रिंसिपल से भी बात की थी कि भाई हम लोग अभी लॉकडाउन में इतने खुद परेशान है, हम लोग कहाँ से पेड करेंगे करके, तो फिर वहाँ से बोला गया कि नहीं कंपलसरी है, गवर्नमेंट की तरफ से रूल वूल आया गया करके। मैं बोले अच्छा ठीक है, तो चलो अच्छा है कि शमी भाई ये लोग आके बात किए, तो बहुत अच्छा लगा कि स्कूल की तरफ से हम लोग को फी माफ हो गई। जमील सर ने, ये आप देख लीजिए, ये उनका स्टैंप है, ये उनका सिग्नेचर्स है, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। जो ये रिक्वेस्ट लेटर है मंत्री महोदय का, इसमें साफ लिखा हुआ है, जो मेन मुद्दे की बात है, कि 3 महीने की फीस नहीं ली जाएगी, उसके अलावा कोई भी अदर चार्जेस नहीं लिया जाएगा। प्रहार टाइम्स के माध्यम से, गली न्यूज के माध्यम से आज जो ये मुहिम चल रही है, ये मुहिम का ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज इस महामारी के हालात में लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। असदुल्ला खान सर से हमारी बात हुई है, इंशाल्लाह ताला कल हमारी भाभी रूता अबाट साहबा, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो कल सर ने काफ़ी चीज़ों को मान लिया है। रही बात सिम्बोसिस की, तो सिम्बोसिस के लिए खुद हमारे मंत्री महोदय उनसे रबते में हैं। अल्लाह का एहसान है कि जो आपने बहुत एक अच्छी बात रखी थी, मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ, सराहना करता हूँ। आपने कहा था कि शमीम भाई, पेरेंट और स्कूल के बीच में जो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसके अंदर मैसेज जाना चाहिए। अब मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक ऐसा 19 स्कूल के लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जो बाकी के लोगों ने नहीं किया है, मैं उनसे विनंती करता हूं कि आप लोग भी इसको स्टार्ट कर दें, जिससे पेरेंट्स और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। ये जो मुमरा कौसा एजुकेशनल फीस सोल्यूशन कमेटी है, माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की सरपरस्ती में चल रही है, इसके वो जिम्मेदार होंगे।